हेलो फ्रेंड्स, फ्री में सब्सक्राइब करें गवर्नमेंट जॉब इंडिया चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, इसी तरह की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए सबसे पहले। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ असम रिक्रूटमेंट के ऊपर। ये वीडियो मुझे पेज पे बनाना पड़ा क्योंकि ऑफिशियल का जो नोटिफिकेशन है वो काफ़ी छोटा है, आपको समझ में नहीं आएगा, क्लियर नहीं है एकदम, और जूम करता हूँ तो पूरा ब्लर हो जाता है, इसलिए मैं पेज पे ही बना रहा हूँ। आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से जो है जाके आप लोग डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज डिमा हसाओ, ये डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में है जॉब लोकेशन। 21 ऑफिस पियन, कोर्ट पियन, बंगलो पियन वैकेंसी फॉर 8 पास कैंडिडेट पब्लिश्ड ऑन 13 मार्च, आज ही के दिन पब्लिश हुआ है। जैसे कि देख सकते हो आप लोग, ऑफिस भी उनका पोस्ट है, क्वालिफिकेशन सिर्फ 8 पास ही है, टोटल वैकेंसी है 7, सैलरी होगा आपका 12,000 to 37,000 पर मंथ। एक्सपीरियंस फ्रेशर है, जॉब लोकेशन डिमांड आओ और लास्ट डेट है इसका 7 अप्रैल 2018। यहाँ पे देख सकते हो आप, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि मैंने बोल दिया 8 पास 8 स्टैंडर्ड, और एज लिमिट एज पर जो फोर्स का जो रूल होता है उसी हिसाब से एज लिमिट है, मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए एज ऑन 1 जनवरी 2018। अगर मैं नीचे जाऊँ, आप लोग देख सकते हो वैकेंसी 2 पे यहाँ पे है, कोर्ट पियन का पोस्ट है, यहाँ पे भी 8 पास है, टोटल पोस्ट है 3, यहाँ पे भी सैलरी सेम है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, डिमांड हिसाब पे पोस्टिंग है और लास्ट डेट सेम है, क्वालिफिकेशन भी सेम है, एज लिमिट भी सेम है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थर्ड में जो है बंगलो पी उनका है, यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन 8 पास है, एक ही पोस्ट है, सैलरी सेम है, एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, डिमांस और डिस्ट्रिक्ट है जॉब लोकेशन, और लास्ट डेट इसका भी सेम है, क्वालिफिकेशन एज भी सेम है, पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, आपको इसी एड्रेस पे भेजना है आपका एप्लीकेशन। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट होगा विल बी कॉल्ड फॉर द ओरल इंटरव्यू, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो ओरल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग अलोंग विद देम ऑल टेस्टिमोनियल्स इन ओरिजिनल, आपका जो डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेकर जाना, इन टर्म्स ऑफ एज, कास्ट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एटसेट्रा ड्यूरिंग पर्सनल इंटरव्यू। नीचे यहाँ पे देख सकते हो आप हाउ टू अप्लाई दिया हुआ है, कैंडिडेट शुड सबमिट अलोंग विद द एप्लीकेशन ए सेल्फ एड्रेस एनवेलप मेजरिंग, इतना साइज है, पोस्ट स्टाम्प ऑफ 5 रुपीज़ का स्टाम्प लगा, द नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट बी क्लियरली रिटन ऑन द टॉप ऑफ द एनवेलप, पोस्ट का नाम क्लियरली लिखा होना चाहिए और कॉन्टैक्ट नंबर भी। कैंडिडेट्स हू हैव क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर ऑल टेस्टिमोनियल्स इन ओरिजिनल, TADA कुछ नहीं मिलेगा आपको, एप्लीकेशन विल रिसीव ओनली ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, नो एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड आफ्टर 7 अप्रैल 2018। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है जाके आप लोग पूरा डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हो, और अगर आप एलिजिबल हो एंड इंटरेस्टेड हो तो आप अप्लाई भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए गवर्नमेंट अपडेट के ऊपर, रिक्रूटमेंट के ऊपर वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ।